आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो जिस चैप्टर से लिया गया है वो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है टू पैरल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पहले इस क्वेश्चन के डेटा को हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में दिया गया है टू पैरल रेल ट्रैक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हम जानते हैं ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन साउथ होगी तो एक रेल ट्रैक हम मान लेते हैं जो ये है और दूसरा रेल ट्रैक इसके पास है ये है ट्रैक नंबर वन और ये है ट्रैक नंबर टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर तो इस ट्रैक पर है ट्रेन ए जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ और दूसरे ट्रैक पर है ट्रेन बी जिसकी डायरेक्शन है साउथ की तरफ दोनों की स्पीड हम नोट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ए 54 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ़ बी इज़ 90 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर लेंथ की यूनिट किलोमीटर दी गई है और टाइम की यूनिट आवर में दे रखी है और हम जानते हैं कि हम एस SI सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और एस SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं देखिए कुछ इस तरह से किलोमीटर पर आवर इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस वन किलोमीटर कैन बी रिटर्न एज वन थाउजेंड मीटर एंड वन आवर इसको अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो इट विल बी थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी टेन अपॉन थर्टी सिक्स मीटर पर सेकेंड और और सॉल्व करेंगे तो इट विल बी फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब है अगर कहीं पर भी किलोमीटर पर आवर हमारे सामने है तो उसको डायरेक्ट हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं यही कारण है कि कुछ जगह पर आपने देखा होगा डायरेक्ट ही 5 अपॉन एटीन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम भी हमारी गिवन क्वांटिटीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 54 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 54 फ़ोर इंटू फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड मीन्स ट्रेन ए की स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड इसी तरह से ट्रेन बी की स्पीड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं 90 इंटू फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड अब हम आते हैं क्वेश्चन के ए पार्ट पर क्वेश्चन के ए पार्ट में लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए तो अब हम अपने उस डायग्राम को याद करते हैं जिसमें हमने दो कारें बना रखी थी थ्योरी पढ़ते हुए तो उस तरह से हम ए और बी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये है हमारी ट्रेन बी और ये है ट्रेन ए और हमें याद है हमने उनको एक रोड पर रखा हुआ बताया था यहाँ हमें मालूम है ट्रेन बी की स्पीड साउथ डायरेक्शन में है यानी अपोजिट डायरेक्शन में है और स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और ए की स्पीड नॉर्थ डायरेक्शन में है जिसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इसको एक बार नोट करते हैं इसको लिखने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी ऑफ बी ए इस तरह से हम इसको लिखते हैं हम पहले उसको लिखते हैं जिसकी वेलोसिटी हमें निकालनी होती है और बाद में उसको लिखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं हमें ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता लगानी है तो ए को हम चाहते हैं कि ये रेस्ट में दिखाई दे और अगर ए को रेस्ट में दिखाना है तो हमें इस पूरे ट्रैक को 15 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में चलाना होगा तो सोचिए अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड देनी होगी अगर इसको 15 मीटर का इफेक्ट होगा तो यही इफ़ेक्ट हमें बी पर भी देना पड़ेगा तो उस पर भी हम 15 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसा करने से हम देखते हैं ए की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वेलोसिटी हो जाएगी 15 वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में और 15 वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन के और हम यहाँ जानते हैं हमारे पास सिर्फ दो डायरेक्शन हैं अगर हम नॉर्थ को पॉजिटिव मान लेते हैं तो हमें साउथ को नेगेटिव मानना होगा तो 15 नॉर्थ ये पॉजिटिव हो जाएगा और 15 साउथ नेगेटिव हो जाएगा और ये स्पीड हो जाएगी जीरो मीटर पर सेकेंड मीन्स हम कह सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट इस समय रेस्ट में माना जा सकता है अब जो बी की वेलोसिटी निकलेगी और जो ए के रेस्पेक्ट में होगी वो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए मीन्स वही हमारा आंसर होगा देखिए किस तरह से अब बी की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी है 25 मीटर लेकिन इसकी डायरेक्शन है साउथ और इसमें जो वेलोसिटी हमने ऐड कर दी है वो है 15 मीटर पर सेकंड और उसकी डायरेक्शन भी साउथ ही है अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और साउथ को हम लिख रहे हैं नेगेटिव साइन से तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन और आंसर हो जाएगा माइनस फोर्टी मीटर पर सेकेंड अगर इस माइनस साइन को हटा दें तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए वो हो जाएगी फोर्टी मीटर पर सेकेंड माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है साउथ को तो आंसर हो जाएगा टुवार्ड साउथ तो ये होगा हमारा ए पार्ट का आंसर और इस आंसर में हम देखते हैं हमने यहाँ पर दो पार्ट में आंसर लिखा है ये पहला पार्ट हमें बताता है स्पीड पार्ट को और दूसरा पार्ट बताता है इसके डायरेक्शन वाले पार्ट अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर मीन्स बी पार्ट पर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी यहाँ हम जानते हैं जब हम किसी ट्रेन से देख रहे होते हैं ट्रेन मीन्स चलती हुई ट्रेन में से तो हमें बाहर की सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं और हमने ये भी जाना कि जो स्पीड हमारी होती है वही स्पीड हमें बाहर की रुकी हुई चीज़ों की नज़र आती है यहाँ पर बी की वेलोसिटी हमें मालूम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 25 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन भी हमें पता है दैट इज़ टुआर्ड साउथ इट मींस अगर बी ऑब्जर्वर होता तो जो बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं उनकी स्पीड बी की ही होती लेकिन उनकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होती इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जो हम बताएंगे उसका मैग्नीट्यूड होगा 25 मीटर पर सेकेंड लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी टुआर्ड नॉर्थ तो ये हो जाएगा हमारे बी पार्ट का आंसर अब हम आते हैं सी पार्ट पर वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ एटीन किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इस सिचुएशन को समझने के लिए पहले हम ट्रेन ए को ड्रॉ करते हैं और ट्रेन ए के रूफ पर एक मंकी को ड्रॉ करते हैं यहाँ हमने एक ट्रॉली टाइप की बना रखी है ये है ट्रेन ए इस ट्रेन ए पर एक ऑब्जर्वर बना दिया हमने ये है ट्रेन ए पर एक ऑब्जर्वर इसका नाम भी हम ए रख लेते हैं और ये किसी मंकी को देख रहा है लेट इट इज एम ये है एक मंकी ये जो मंकी है ये मंकी और ये ऑब्जर्वर इन दोनों को देखने के लिए एक बाहर ग्राउंड पर एक पॉइंट है वो है ऑब्जर्वर पी क्वेश्चन में ये बोला गया है जो मंकी है इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर पहले हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं स्पीड ऑफ मंकी इज 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 18 इंटू फाइव अपॉन एटीन दिस इज 5 मीटर पर सेकंड और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन है ट्रेन ए के अगेंस्ट अगर हम यहाँ मानते हैं ट्रेन ए की डायरेक्शन ये है तो मंकी की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अगेंस्ट होगी अब पहले क्वेश्चन के उस पोर्शन पे हम ध्यान देते हैं जहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ मंकी इज़ 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में अगर ये मंकी रुका हुआ होता तो ए को ऐसा लगता है ये मंकी अपनी जगह सिर्फ बैठा है इसकी स्पीड ज़ीरो है लेकिन अगर मंकी चलना शुरू करेगा क्योंकि ए ऑब्जर्वर ट्रेन के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है इसलिए मंकी की जो स्पीड इस इसको नज़र आएगी वो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है वो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है मींस फाइव मीटर पर सेकंड जो स्पीड नज़र आ रही है ए को वो इसकी रियल वेलोसिटी है तो मंकी की स्पीड हो जाएगी फाइव मीटर पर सेकेंड अब हमें ये अनालिस करना है ऑब्जर्वर पी को क्या नजर आएगा अब हम इसको समझते हैं फॉर ऑब्जर्वर पी अगर मंकी रेस्ट में होता तो ऑब्जर्वर पी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड होती ट्रेन की स्पीड के इक्वल मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड नॉर्थ लेकिन यहाँ तो मंकी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और उसके चलने की डायरेक्शन साउथ की डायरेक्शन है तो अब ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन होगा इसमें इस 15 मीटर के साथ इस मंकी की स्पीड भी ऐड हो जाएगी देखिए किस तरह से इफ़ मंकी मूव्स विद स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड टुवार्ड साउथ देन वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू पी इस केस में ये एम मंकी के लिए है और ये पी ऑब्जर्वर के लिए है यहाँ पर ऑब्जर्वर ऑलरेडी ग्राउंड पर है यानी रुका हुआ है तो हमें किसी और तरह के रिलेटिव एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर दो स्पीड है एक स्पीड मंकी की है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है ट्रेन की वजह से और दूसरी स्पीड मंकी की अपनी स्पीड है जो कि साउथ डायरेक्शन में है अब नॉर्थ को अगर पॉजिटिव मान लेते हैं साउथ को नेगेटिव मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस फाइव और इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर 10 मीटर का साइन पॉजिटिव है अगर इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी मीन्स ऑब्जर्वर को देखने से लगेगा ये मंकी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रहा है